हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था विद्युत रसायन लेसन नंबर 3, उसका आज का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत अपघटनी सेल। क्या नाम है टॉपिक का? विद्युत अपघटनी सेल। तो सबसे पहले देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, यानी विद्युत अपघटन, यानी जिस सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित पदार्थ क्या हो रहा हो, अपघटन हो रहा। अपघटन होने से क्या प्राप्त होगा? रासायनिक पदार्थ, यानी विद्युत ऊर्जा के वजह से क्या प्राप्त होता हो, रासायनिक प्रक्रम संपन्न होता है। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह सेल क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी सेल, यानी विद्युत ऊर्जा के वजह से रासायनिक प्रक्रम संपन्न हो, विद्युत ऊर्जा के वैसे रासायनिक प्रकरण संपन्न हो वे सभी क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, इन जो सेलों में होती है जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया स्वतः अप्रवर्तित प्रकृति होती है, यानी जो अभिक्रिया जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी ना, ऑक्सीकरण जो अपचयन अभिक्रिया स्वतः है अपरिवर्तित प्रवृत्ति की होती है, जिससे जो मुक्त ऊर्जा होती है, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। मुक्त ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि, यानी डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, मुक्त ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि। ठीक है, और जो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया की जाती है, यानी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर जो रासायनिक प्रक्रिया संपन्न किया जाए विद्युत अपघटन होगा। तो विद्युत अपघटन जिस पात्र में होता है उस पात्र को बोलते हैं वोल्टामीटर। उस पात्र को क्या बोलते हैं अपन? वोल्टामीटर। ठीक है, अब इस वोल्टामीटर में होता क्या है? इस वोल्टामीटर में क्या होता है? यह एक पात्र होता है जिसमें HCl भरा होता है। क्या भरा होता है? HCl। यह वोल्टामीटर है, इसमें प्लेटिनम धातु के दो इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, पीटी के इलेक्ट्रॉन। प्लेटिनम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसमें भरा होता है HCl। क्या भरा होता है? HCl का भी यह भरा होता है। जो इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों में जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है वो कहलाता है एनोड। क्या कहलाता है? वो एनोड कहलाता है। और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है वो कहलाता है कैथोड। क्या कहलाता है? कैथोड। ठीक है, तो जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें पदार्थ का क्या होगा? अपघटन होगा, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप जैसे इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो क्लोरीन गैस एनोड पर बनती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनती है, यानी एनोड पर रिएक्शन क्या होगी? एनोड पर Cl- माइनस इजिकल टू 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, एनोड पर क्या बनेगी? Cl2 गैस बनेगी। तो विक्रिया कौन सी हुई? पदार्थ का ऑक्सीकरण में क्या हुई? वृद्धि। तो विक्रिया कौन सी? ऑक्सीकरण। एनोड पर कौन सी विक्रिया हुई? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर? कैथोड पर बनती है हाइड्रोजन गैस, इन एच इन इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा? H माइनस, H प्लस। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और यह बनाएगा 1/2 H2। यह कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। यह कौन सी?
ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार जैसे इसका अपघटन होता है, एनोड पर सीएल टू गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक परिपथ बंद है। परिपथ बंद है, और नंबर दो, जब तक संपूर्ण HCl समाप्त न हो। ठीक है, यानी एनोड पर Cl2 गैस क्लोरीन गैस बनती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ये तब तक बनती रहेगी जब तक परिपथ बंद है और सेल में संपूर्ण HCl समाप्त न हो जाए, तब तक ये प्रक्रम चलती रहती है। इस प्रकार अपना ये जो टॉपिक था विद्युत अपघटनी सेल, ये होता है समाप्त। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।